राधा मैया राधा जी वेणी गोदी रे मायने एक सुंदर तोतो तोता में समझो नी मिट्टू जिनके एकरा पास सुख राधा जी लाडलो तोतो हमेशा राधा जी कनी रेवे और राधा जी साथ खेले राधा जी जिमे तो विनय जिमावे और वो भी अपनी मां समझे राधा जी ने और आप बालक जो तोतरो राधा जी लाड रखे किन जगह गोलोक धाम। अब आप लोगों ने मत पूछू मैं गोलोक रे मायने कौन निवास करे किरो निवास स्थान गोलोक भगवान राधे कृष्ण लोक है गोलोक धाम क्यों है गोलोक धाम किरो है भगवान राधा कृष्ण रो धाम क्यों है गोलोक धाम। तो आपरे मन में ओ ऐसा कि जन सा राम जी रो क्यों लोक है भगवान राम जी रो लोक है साकेत लोक याद रख जो क्यों लोक है साकेत लोक भगवान शिव जी रो शिव लोक भगवान विष्णु रो वैकुंठ लोक। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने राधा जी कहे कि बेटा तू ही धरती माते जा और भगवान ठाकुर जी री लीलावां रो वर्णन कर और जो कथा है भागवत कथा इरो जन जन रे मायने प्रचार प्रसार करो भगवान की लीला रो भगवान की कथा रो प्रचार प्रसार करो। तो सुख जी केवे तोता रूप में के मां जाऊं तो मैं जाऊं प्रेम लेकिन आज जो थानी माया है नी जाऊं तो मैं भजन वास्ते थानी माया है नी आ मने बस में कर ली तो मैं भगवान रो भजन तो छूट जाई मनो और मैं माया में लाग जाऊं। तो यूं करो कि आथानी माया मन मारन कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए मने बस में नहीं कर रहे चाहिए कि हाँ जाओ आप भगवान की माया थाने की नहीं बिगाड़ सके थाने बस में नहीं कर सके। तो महाराज वही पद वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी महाराज तोता ने रूप रे मायने राधे मारो आज्ञा ले और इन मृत्युलोक में आया और सबों पहले किन जगह पहुंचिया कैलाश पर्वत माते और कैलाश माते कौन निवास करे भगवान शंकर और पार्वती जी। बट कहीं एक एक तोती रो छोटो सो अंडो पड़ियो हो भाई तोता और तोती तो वो शुक्रणी पक्षी रो तो विरो एक अंडो हो वीर अंडा रे मायने सुखदेव जी महाराज सुख मतलब तोता रो बड़ा सूक्ष्म रूप वी अंडा में प्रवेश कर जा और माता पिता हा मना मैं तो उड़गा और वो अंडो पड़ियो वी अंडा रे मायने सूक्ष्म रूप प्रवेश कर गया कौन सुख जी महाराज। अबे नारद जी मन में विचार करे कौन विचार करे नारद जी कि तो इन अंडा में तो प्रवेश कर गया लेकिन अब एक दोबारा आए किन प्रकार से लीला रही। तो नारद जी मन में विचार करियो और हाथ में ली वीणा और नारायण नारायण गाता हुआ कटे पहुंचिया कैलाश पर्वत वाले आप ही कीर्तन कर ला ओ जे जे नारायण नारायण हरी हरी जे जे नारायण नारायण हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी नारायण नारायण हरी हरी ओ भजमन नारायण नारायण हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी राम नारायण नारायण हरी हरी राम नारायण नारायण हरी हरी ओ भागवत नारायण नारायण हरी हरी भागवत नारायण नारायण हरी हरी कृष्ण नारायण नारायण हरी
हरी हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। अबे महाराज नारद जी नारायण नारायण करता करता कटक पहुंचिया कैलाश पर्वत माते और शंकर भगवान तो आप गुफा रे मायने बैठो बेटा भगवान रो भजन करता और पार्वती जी महाराज मैया विराज जुड़ा और नारद जी जान माता ने प्रणाम करिया कि माँ प्रणाम और नारद जी ने देख संतर देख माँ भी प्रणाम करिया संता ने आओ 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 बेटा बहुत टाइम बाद आया आप और आदर सत्कार करियो आओ विराजो और छोकी खातेदारी करी जो भी फल फ्रूट है जो भी पानी नहीं पिलायो के विराजो के नारद जी महाराज कई बात थे कई गिलो भूल गा आजकल आओ कोनी दिखो ही कोनी कट रहे वो के माँ कट जावा बेटा बेटा भगवान रो भजन करा और आजकल तो दुनिया इतनी मतलबी रेगी है मैं तो कटी आवनो जावनो छोड़ दियो कई कियो दुनिया इतनी मतलबी रेगी है और मैं तो हमारे कटे आओ जाओ आजकल छोड़ दियो के क्यों के लोगारे मन रे मायने प्रेम को नहीं रियो कई कियो लोगारे मन रे मायने प्रेम को नहीं रियो दिखावटी प्रेम करे और मन रे मायने छल कपट रखे मुंडा मट घणे मीठा बोल दे और मन रे मायने पाप रखे मन में करी खोटियां खोटाएं करी निंदा करी तो मैं तुम्हारे कटे आवनो जावनो है जगह बंदिज कर दियो कि लोग हम प्रेम ही को नहीं ना विश्वास है सब स्वार्थी बन गया बस खुदरो हो चे ये बाता कौन की नारद जी महाराज किन कियो पार्वती मैया ने कि नारद जी महाराज थे जानो थोड़ो काम धड़े बाकी माने तो माने घणो ही प्रेम है और दूसरी बात कहेगी आजकल तो देखो नहीं स्त्री और पुरुष में भी प्रेम नहीं रियो पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रियो और लुगाया आपरे पति को बाता छुपावे पति आपरे लुगाया को बाता छुपावे प्रेम कटे रियो जैसे आजकल महाराज बीरो कटे बाजार में जावे और फोन करे लारू मैडम फोन करे कि किन जगह हूं सा अरे सा मैं तो रास आयड हूं सा कोई के मैं लाम भी आयड हूं सा अब झूठरी मशीन कान लगान कह दे एन हेवे कटे बाजार में बड़ा तास अरे सा बस लाम भी आयड हो के काम काज देखो एन खेल ले गई पत्ता खेल भूकर बैठा बैठा तुम्हारा आज लोग हम आजकल प्रेम नहीं रही है पति पत्नी छुपाव करे जो पार्वती जी ने बात की पार्वती जी के भाई पे दुनिया दुनिया जाने मारे न मारे पति देव रहते तो प्रेम है पूछो ही मत ही मैंने तो कदी आज तक ओड़ो नहीं दियो मैं क्यों जूझ भोलेनाथ माने कि हाँ माँ भगवान करे थानो प्रेम हमेशा बनियो रहे लेकिन बढ़िया है माँ आप लोगों का प्रेम है प्रेम बनियो रहे लेकिन आपने पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ आप बहुत प्रेम करे आप बहुत रखे कि हाँ पूरा विश्वास है इतनी की बात ही मानो नहीं छुपा तो भोला है कि माँ भोला को नहीं कचबला गोला है डक के नारद जी आ बात मत को मने पूरा विश्वास है माँ आपने तो विश्वास है अच्छी बात है तो विश्वास होना भी चाहिए लेकिन एक बात करी थे पूछी भोले बाबा कि कहीं के मैंने जो गलर मायने वो माड़ा है माला क्या नहीं खोपड़िया ही 108 माता हा खोपड़िया ही मुंडा के बाद जो मुंडरी माला है भी माला रमायने जो मुंडे खोपड़िया है वे खोपड़िया किरी है और पार्वती जी तो के आ बात तो मैं पूछी को नहीं के जन कनो प्रेम है वाह मैं तुम्हारे जाऊं राम राम और नारद जी गया और जावता जावता शंकर भगवान ने कहन गया कि बाबा जी हरिओम ओम नमः शिवाय जय राम जी की हाँ जय राम जी कि माता जी आपने याद करिया पधारो फटाफट करे अट्ट पाड़े पार्वती जी तो मुंडो हो जाए लियो के राम मारू छुपायो
आज तक मन नहीं बताई बात ये खोपड़िया किरी है गड़र माने माला ही पैर ने 108 माला रही अपा वेरा रुद्राक्ष माला कोनी हमें 108 है वो 108 माला क्यों है बताऊं आप तो महाराज भोले बाबा आया जीते माता जी तो कही करियो आप रागेणा गेटा हैं खोल दिया छोकी साड़ी पैर नहीं पार्वती जी भाई खोल दी और देखो पुराना समय रमायने अगर कोई माता बहन या लुगाया नाराज है जितनी नहीं तो घर में एक कमरों अलग बन तो नाती करो तो कोप भवन मत लिखो मतलब कि आज नाराज जी उड़ी है जिन टाइम आडो खुलो रहता तो कोई तकलीफ नहीं जिन टाइम आडो बंद रहता तो हम कहना हाँ आज देवी माँ ने जुड़ी है तो मतलब फाप पड़ जाती कि भाई किन की बात जुड़ी है शंकर भगवान घर में आया और देख के चारों में कट्टे किन जगह है ओहो हो ये कमरा बढ़ गया तो मतलब आज तो खतरा की घंटी है भोलेनाथ आडो बजायो माता के कोनी खुले आडो तो गो अरे बात कही रही आडो तो खुलो थे रियो को ये बताओ तो सही के मारू बात करनी जरूरत नहीं है आज रे बाद मारू थाने माने बस थे थाने में मारे अपना हाथों भांग घोटो अपना जिमो वाह मैं तो मारे बस जाऊं पीर मैं मारा गाबा तैयार करूं बस अरे बात कही रही मैंने बताओ तो सही कारण कही रही हो कि थाने जड़ा कपटी में दुनिया में नहीं देख किया भोलेनाथ के मैं और कपट करूं अब तो कभी हो ही नहीं सके कि मैं तो थाने घना भोला मस्ता कि मारा पति जड़ा भोला तो दुनिया में कोई नहीं लेकिन थे तो कपटी हो एक नंबर रहा मनमुई काला अबे शंकर भगवान होचे वारे नारद मैं थारो कई बिगाड़ियो कई कियो अरे नारद मैं थारो कई बिगाड़ियो देखो जिद घर माय ने कभी कोई बिगड़ नहीं रेवतो रे लड़ाई झगड़ो नहीं रहतो रे और नारद जी पग पड़ गया नहीं तो फिर घर में बिगन हो जा देखो अपन गाँव में शहर में कई जगह नारद प्रकृति रो लोग रेवे रेवे कि नहीं ऐसा रेवे कि नहीं नारद के वैसा वो तो आदमी एक नंबर नारद है जावे जटे बिड़ाए दे कैसा लुग गई अरे राम राम लुग गई तो ये नारद नारद जेड़ी है जावे जटे बिगन कराए दे लेकिन महाराज नारद जी कभी बिगन नहीं करावे नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है वही है नारद और महाराज जिन्हें जिन्हें नारद जी मिलिया है विने विने परमात्मा का दर्शन हुआ है सत्य गारंटी हूं नारद जी मिल गया तो समझ लो परमात्मा मिल जाए आपने भोले बाबा के अरे नारद जी थानो कई बिगाड़ियो बड़ी अच्छो की मन घर घर से चलती बड़ो प्रेम हो थे आने कटक कहीं कियो हो अब भोले बाबा के किन की तो मामलो फाचो जमानो पड़े एडजस्ट करना पड़े और भोले बाबा की करके ना अड्डो खुले हो के देवी मान जा भाई कोई भी गलती दे दे ते बार आओ हावड़ बात पक करा बारे पधारो आया शंकर भगवान बोलने लगा के मारू बोलनी जरूरत कोनी है बस अब तो रियो कोई बात तो बताओ तो बताओ थे इतना दिन मैंने बताई क्यों नहीं बात कि की बात कि थाने गलारे मायने आज जो माला पहने है इन मायने खोपड़िया है 108 ये मुंडरी माला है ये मुंड किरा है खोपड़िया किरी है इतनी बात करता ही शंकर भगवान मौन रह गया कि देवी थे कदे पूछे कोने तो मैं कहीं बताऊं कि तो कर थान तो बतानी चाहिए मैं हो चुका थाने अगर बताओ नहीं तो थाने मन रे मायने दुख रही कई क्यों मन में दुख हुएला नहीं तो बताओ कुण क्यों पार्वती जी और भोलेनाथ री आंखिया आंसू आएगा आंसू आंखिया भरिजगी तो पार्वती मैया ही सोचन लगा नहीं नहीं बताओ बात कही है बेटी भोलेनाथ कि देवी ये सब खोपड़िया थारी ही है कई क्यों ए खोपड़िया थारी है
क्या पार्वती जी ने और गुस्सा आएगो कि मारी खोपड़िया है तो थानी खोपड़िया कटगी कि देवी थे जितनी बार जन्म लेवो मारे साथ लीला करो और थानो समय आवे और थे पदार जावो लेकिन थानो इतो प्रेम रे कि थाने मरिया बाद रे माने थाने गिया बाद में आ खोपड़ी लेवो और एक माला पैरान मारे गला में पैर लो तो कहीं मारा का 108 जन्म रहेगा या हाँ आपरा 108 जन्म रहेगा अबे शंकर भगवान ने पता चिड़िया कितने तो और धोखेबाज हो थानी खोपड़िया कटे कि मैं तो अजर अमर हूं ओहो खुद तो अमर बनगा और मने हर बार मरनो पड़े तो एडो थे कहीं पी लियो एडी कहीं दवाई पियोड़ी थाने जो को थे तो हो अमर और मने बार बार मरनो पड़े तो क्यों संग मैं राम नाम रो अमृत पीड़ो हूं अमर कथा सुन लो हूं अमर कथा सुनना सु मैं अमर रहो हूं अमर कथा सुनना सु मैं अमर जोड़ो हूं पार्वती जी के बड़ो धोखो करियो था तो मने थे अमर रहेगा और पचे मैं मने अमर करो कही क्यों पार्वती जी मारे भी अमर होड़ो है मने भी अमर करो और भोले बाबा के कि देवी मैं तो घनी कोशिश करी थने अमर करना री थने कितनी बार कथा सुनने कोशिश करी लेकिन आ कथा तो कहीं है भागवाड़ा ने मिल सके और भागवाड़ा ही आ कथा सुन सके धीरे माते राम जी की कृपा होवे परमात्मा की कृपा होवे वही जा कथा सुन सके बाकी गांव घणो ही मोटो है कई लोग खावता रहे कोई लोग हिनान करता रहे कोई रे होता रहे और आप जीवन यूं ही बिता रिया है और एक दिन सब ने जानो है तो भगवान मौको मिलियो है कथा सुन लो भगवान रो नाम ले लो और धीरे धीरे ता जिंदगी जा रही है तो महाराज अबे शंकर भगवान के ठीक है आपकी इच्छा है कथा सुनना री तो भगवान अमरनाथ की गुफा ने पधारिया कौन भोलेनाथ और कियो कि जिन टाइम रा मैं कथा सुनूंगा थाने मारे सामने बैठना पड़ेगा दूजी बात जड़ तक कथा सुनू नींद मत लीजो ध्यान रख जो कथा पूरी सुननी पड़ेगा और साथ साथ माने हुंकारो लिखते रहो आप क्या माने हासा हासा ओम ओम तो थे ओम ओम बोलते ताकि मन ठा पड़ेगा कि थे कथा सुन रही हो थे बोलना बंद रहेगा तो मैं कथा बंद कर दूंगा कि ठीक है और कथा लगातार चलती रहला सात दिन तक थे वो चला कि रात पड़ गई हो जाऊं नहीं कथा अनवरत चलती रहला और थे करो बर्दन और मैं अब ध्यान लगाना आंखें बंद कर कथा सुनाया करूं कि ठीक है महाराज अब आया सा अमर अमर गुफा कने अमरनाथ गुफा और कथा मैं बात जगह देख ली और तीन ताली बजाई इन सुकाई रियो आड़े पाड़े जितना भी जीव जंतु सब भागा पशु पक्षी भी यापरा और आड़े पाड़े जो कथारा अधिकारी नहीं हा वे सब दूर हो गया अब जिन टाइम ताली बजाई नहीं तो वो एक अंडो बने अंडो तो तर अंडो वो अंडो नीचे पड़ गो फूट गो अंडो फूट गो लेकिन माए नाल जीव हो को नहीं अब महाराज शंकर भगवान पार्वती जी ने कथा शुरू करी जो ही कथा शुरू री इतनी ताकत आई कि वंडो फाटो सही रहो शुरू करता ही और फिर माने वे सुखदेव जी महाराज अंडर माने और वह कथा सुन रिया है पार्वती जी कथा सुन रिया है और अंडर माने सुखदेव जी कथा सुन रिया है धीरे 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 थोड़ी देर कथा चली चलता ही वंडो फूट प्रो माइनस तो बार आएगा और वो जा प्रो शंकर भगवान लारे बैठ प्रो अब कथा सुने लारे कथा चलती एक दिन बीती हो दो दिन रिया तीन दिन रिया और कथाऊं ताकत आऊं लगी कि मैं सुखदेव जी तोतर मायने धीरे धीरे इतनी ताकत आऊं लगी कि परमात्मा की कथा छोटी मोटी कथा थोड़ी है और पांचवा दिन रे मायने आखिर लगातार बैठा कौन पार्वती जी अबे थकेलो आऊं लागो
आवता आव तो जो ज्ञान चर्चा आई भगवान कृष्ण जी री और उद्धव जी री ज्ञान चर्चा ही और पार्वती जी ने तो झोंको आयो नींद रो क्योंकि 5 दिन तक लगातार कथा सुन दिया है अब आयो नींद रो झोंको और पार्वती जी तो अट्ट पाड़े तो हो चियो कि मां ने तो आ रही नींद रा झोंका ए नींद ले ली तो कथा हो जाला बंद भोलेनाथ कथा बंद कर देला और आपा इतनी प्यारी कथा भगवानी कथा आपा सुन नहीं सकाला तो भी हुकारा शुरू कर दिया पार्वती जी ने आएगी नींद वेट पर तो ओम 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 करने लागो पार्वती जी ने आवाज रे माने इतनी शक्ति आएगी इतना वजन रूप बना सके ठीक है क्योंकि भगवानी कथा इतनी शक्तिशाली है इतनी पावरफुल है अब वो तो ओम ओम करने लागो और जो कथा रा साधन दिया जोर जिकर लगायो बोले भक्त और भगवान की भागवत महापुराण की और पार्वती जी एकदम नींद खुली तम किया हे भगवान अबे ठाकुर जी भगवान कृष्ण भगवान उद्धव जी ने कहीं कियो अरे देवी 7 दिन पूरा हो गया आरती तैयारी करो कथा पूरी होगी के कई बात करो अबे शंकर भगवान के थे कि मन तो नींद आएगी अरे राम तो शंकर भगवान के हुकारा कौन देतो मारी कथा री चोरी कौन कर ली कथा सुनी तो सामी आन बैठ बैठ सुनता लारे बैठ सुनता क्यों सुनी अबे शंकर भगवान के खोय कौन देखियो लड़ तो अबे तो के शंकर भगवान मार दे अबे आगे के तो उड़न लागो और लारे लड़ शंकर भगवान त्रिशूल लियो है अबे महाराज धीरे 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 भगवान आगे आगे तो लड़ लड़े शंकर भगवान और जाओ तो क्या करियो सीधो पहुंचियो कैलाश पर तो नीचे बद्री का धाम बद्रीनाथ और बद्रीनाथ धाम रे मायने वेद व्यास जी महाराज आपरी पत्नी बिटका देवी रे साथे कुटिया में रहता और बिटका देवी कई करियो आपरे चोटी करता और उबासी आई बिटका देवी ने उबासी आई वेद व्यास जी पत्नी उबासी आई मुंडो खोलियो के तो होचियो वाह ठीक है गुफा सीधो मुंडो पेट में जाबरो और घर में जान बैठ गा और बालक रो रूप बना बैठ गा क्या बढ़िया इन जड़ी जगह तो कटे मिल नहीं सके कई करियो तो उड़ियो उड़ते उड़ते जान कटे पहुंचियो बद्रिकाश्रम लड़ शंकर भगवान त्रिशूल लेन के ना आज छोड़ू को नहीं मारी कथा चोरी कर ली तो जाप रो बिटका देवी जो उपासी ली सीधो पेट में जान बैठ गो अबे शंकर भगवान बारान वेद व्यास जी के मारो चोर थाने घर में बढ़ गो इन बारह निकालो लान होद लो कैटे को नहीं हो तो घर में बैठो है कि बाज बाहर आवे मार लीजो अबे वेद व्यास जी महाराज अबे शंकर भगवान आप ढूंढ लगा बाहर बैठ गया कदे कदे बाहर आई छोड़ू को नहीं और सुखदेव मुनि के पेटर माए ना कि अपन बाहर जाओ काम के अपन भगवान भजन करना है और कथा सुनना सु पूरी देवी शक्ति आएगी परमात्मा की पूरी कृपा होगी और बैठा बैठा कथा वापस मनन करे कथा रो वे श्लोका रो और महाराज सुखदेव जी महाराज बालक रूप बना भगवान रूप भजन कर रिया है गर्भ रमाय ने और मंत्री वेद मंत्री ध्वनि आ रही है वेद व्यास जी के देवी जरूर आप रे गर्भ रमाय ने कोई परम संत है जन देखो चारों तरफ प्रकाश प्रकाश रहेगो अबे वेद व्यास जी के वे कि बेटा तू 12 साल रह गए बेटा तारी माता बड़ी तकलीफ पावे ते 12 जाओ कि मैं 12 नहीं हूं कि क्यों कि 12 हूं तो भगवान री माया मने आप रे वश में कर ली भगवान नारायण आन विष्णु आन मन के दे कि मारी माया थाने तकलीफ नहीं देवे ठंड मते आप असर नहीं दिखावे तो मैं 12 हूं दूसरी बात शंकर भगवान बारे बैठा है तो ए देखो मार मत नाराज है तो ए मन कह दे के मने की कोनी केवे तो ज मैं 12 हूं विष्णु भगवान प्रार्थना करी विष्णु भगवान प्रकट रह गया और सुखदेव जी जो गर्भ ब्रह्मांड मन के आप आ जाओ कोई तकलीफ नहीं है मारी माया आपने
कोई प्रभाव नहीं दिखावे के पहली वचन दो हाँ वो मारो वचन। अब भोलेनाथ कह गए मैं तो छोड़ू को नहीं, मारी कथा चुराए ली के भोले बाबा कितना भोला होते हैं, थे ही तो किया रो कि जिको अमर कथा सुन ले वो तो अमर हो जावे, जनते मारो कि ने के हाँ आ बात तो सही है। कुड़ क्यों शंकर भगवान के हाँ कि होग नहीं होते भोला कैसा, मैं तुम्हें जड़ो कड़ो भी हूँ भोड़ो ही छू, मैं तुम्हारे भगवान रहू हूँ जड़ो ही। शंकर भगवान की हो वाह नवा शंकर भगवान के वाह वाह मैं पच कियो कि तो अपना सुखदेव जी महाराज है परम भगत है परम संत है। तो भोलेनाथ के वाह आ जाओ बारे मैं आपने की कोने के हूँ और इतो आशीर्वाद देवरा भगवान विष्णु शंकर भगवान आपने धाम पधारेगा। और महाराज सुखदेव जी महाराज रो एकदम प्रकट रहेगा छोटा सा बालक बोले सुखदेव जी महाराज की जय। छोटा सा बालक 12 साल रहा और नंग धड़ंग की नहीं पहने और सीधा जन्म लेते ही दौड़िया घर में कौन रुकिया कि फिर माँ बापू की बात करूं तो फिर माया फंस जाए मने किन को लड़ना कौन किसकी माता कौन किसका पिता माने किन लड़ो को नहीं दौड़िया जंगल की तरफ। अबे लारे वेद व्यास जी करे अरे बेटा रुक जा अरे बेटा रुक जा अरे बेटा रुक जा ये कौन किरो बेटो महाराज ए झूठा झगड़ा है ए थान तक रखो मार करने नहीं है मैं तो परमात्मा भगत हूं परमात्मा मारा सब कुछ है बाकी कोई मारो को नहीं है। दौड़िया दौड़ता दौड़ता अब जान जंगल रमाय ने पेड़ पौधा मैंने पूछियो कि महाराज कौन किरे पुत्र ए तो कण कण रमाय ने परमात्मा ने आपरो समझे सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम जे सिया राम जे जे सिया राम बोलो जे सिया राम जे सिया राम बोलो जे सिया राम जे सिया राम जे सिया राम जे सिया राम बोलो जे सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले भक्तों भगवान की जय महाराज।